देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, अगर मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं तो तीन ग्लैंड्स हमको पता होने चाहिए। वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। अनदर इज सेमिनल वेसिकल एंड थर्ड इज कॉपर्स ग्लैंड। तो ये तीन ग्लैंड होते हैं। इसमें से दिस इज पेयर एंड दिस इज ऑल्सो इन द पेयर, बट दिस इज सिंगल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा सिंगल पाया जाता है, देन इट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। वो पेयर्ड के अंदर देखने को मिलेंगे आपके सेमिनल वेसिकल एंड कॉपर्स ग्लैंड। अब आप यहां पर समझिए, सपोज दिस इज द टेस्टिस और टेस्टिस के ये एपिडिडाइमिस है और यहां से वन डक्टिस अराइज। उस डक्ट का नाम आप सभी को पता है, दैट इज वास डिफरेंस। और यहां पर सपोज दिस इज द ब्लैडर, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, कंटिन्यू विद द यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। इसके पीछे की तरफ ये एक लूप बनाएगी और एक एम्पुला फॉर्म करेगी लाइक दिस। ऐसे ही सेम हमको यहां पर भी देखने को मिलेगा, दिस इज द टेस्टिस और इसके ये एपिडिडाइमिस और यहां के कोडा पार्ट से वास डिफरेंसेस अराइजिंग forming a loop there behind this bladder and then forming a ampulla. यहां पर एक और ग्लैंड होता है, this gland is seminiferous, seminal vesicle. Pair of glands are there, मैंने अभी बताया था। So these are the seminal vesicle. This is vas deferens and this is the testis and this is epididymis. ये जो सेमिनल वेसिकल है यहां से एक डक्ट निकलेगी और वो डक्ट कहलाती है सेमिनल डक्ट। सेमिनल डक्ट और ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगी यहां से एंड देन एंटर इनसाइड। ये जो डक्ट बनी इट इज द कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट। फिर एक सिंगल ग्लैंड मैंने आपको बताया था, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आपको दो इसलिए नजर आ रहे हैं, सपोज दिस इज योर यूरेथ्रा और उसके बिहाइंड एक ग्लैंड है, दैट इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड, तो वो भी आपको पता होना चाहिए यहां पर। सो दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद में जो यहां पर आएंगे पेयर ऑफ ग्लैंड, दैट ग्लैंड इज कॉपर्स ग्लैंड और इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा पेनाइल पार्ट। सो दिस इज द पेनाइल पार्ट इन द पेनाइल यूरेथ्रा। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अ डक्ट इज अराइजिंग फ्रॉम द कोडा पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस फॉर्मिंग अ लूप बिहाइंड योर यूरिनरी ब्लैडर, कनेक्ट विद द डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल एंड फॉर्म द कॉमन इजेक्युलेटरी डक्ट एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रल पार्ट। देयर इट मिक्स विद द सिक्रिएशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज द सिंगल ग्लैंड इज देयर एंड अ पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड्स आर देयर।
दिस ऑल सिक्रिएशन कंबाइंड टूगेदर एंड फॉर्म सीमन. तो सीमन इज वॉट? इट इज द सिक्रिएशन ऑफ टेस्टिस एज वेल एज द सिक्रिएशन ऑफ योर ग्लैंड्स. तो सीमन इज, इट इज द सिक्रिएशन और द सेक्रिएशन ऑफ टेस्टिस एज वेल एज ग्लैंड. सो डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस आर देयर बाय द डिफरेंट ग्लैंड्स. Some of the contributions are by the prostate gland, some contribution by your seminal vesicle, and some are contributed by your corpus gland. So what are their contribution? Now we are going to see there. When we talk about the seminal vesicle, it is a pair. Seminal vesicle, it is a paired gland, two in the number, on both the side of your bladder. It contribute 70% of semen. Mainly it is providing nourishment. Some alkaline medium also. And some nourishment is by whom? Fructose is there. You can find out the fructose. Fructose never is stored in the body. So in the rare cases, mainly these samples are taken. So it helps in finding the rare cases. Because in female body there is no storage of fructose. And if fructose is found out there, then it is from the male. So by studying their DNA, we can find out the culprit there in the rare cases. It is providing somewhat alkaline medium. It is also secreting or secreting prostaglandin, which help in contraction. Contraction of what? When sperm reaches to the vaginal part. Inside vagina, there is an acidic medium. Or sperm unable to survive in the acidic medium, so they move fast. They want to move fast. So this prostaglandin present in the sperm help in contraction of the vagina. And due to this contraction, this sperm move faster in the vaginal part. So this is the contribution paid by your seminal vesicle. That is 70% of the semen is there. It is clear to you, it is providing nourishment, it is providing alkaline medium, it is providing nourishment by the means of fructose, and that fructose help in red cases. Some more sugars are there, that is derivatives of your glucose and all that. Second gland, which is single, that gland is prostate gland. It is single. It contains zinc, some citrate, and mainly alkaline fluid. 20-25% contribution is done by your prostate gland. आपने बहुत बार सुना होगा कि prostate gland के cancers भी देखने को मिलते हैं. Mainly cadmium oxide. Causes cancer of prostate gland. तो इसका सिक्रिएशन अल्कलाइन फ्लूइड. व्हाई देयर इज अ सिक्रिएशन ऑफ अल्कलाइन फ्लूइड? आप एक ध्यान रखिए कि मेल इज हैविंग द कॉमन यूरिन पैसेज एज वेल एज द स्पर्म पैसेज. सो इफ देयर इज अ यूरिनेशन बिफोर इजेकुलेशन, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द यूरेथ्रा? इट इज फिल्ड विद सम एसिडिक मीडियम. So that medium should be neutralized, and that is neutralized by the secretion of your prostate gland, and that secretion is alkaline in nature. I also taught you that vagina is also acidic due to presence of some bacteria which is producing lactic acid. Means lactic acid bacteria are there, and this acid is not favorable for what? Sperm survival.
So there also this alkaline secretion help to neutralize that acid, and that is secreted by your prostate gland. One more gland is there, that is Cowper's gland. Very less secretion is there, and its secretion provide lubrication. So combinedly, the secretion of all these three gland, like your seminal vesicle, your prostate gland, then of the Cowper's gland, and with the sperms that is produced by your testes, this combinedly secretion is known as semen. Clear to you? Kitna ml semen nikalta hai in one ejaculation? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. तो वन एजेकुलेशन के अंदर 4 to 5 ml सीमन इज एजेकुलेट. पीएच स्पर्म का होता है 7.2 to 7.4. एक एजेकुलेशन में 250 to 300 million sperms are released out. Suppose कभी कभी conditions क्या होती है, there is no formation of the sperms, less formation of sperm, अगर less formation means less than 20 million, then condition is known as oligospermia. Sperm count is less. So less sperm count means less chance of fertilization, so male becomes sterile that time. So by some techniques we can solve all these problems. So hum isi chapter mein reproductive, isi unit mein reproductive health ke andar samjhenge. Uske baad about suppose 1000 sperm hai. Isme se 60% sperms are of नॉर्मल शेप एंड साइज, अदरवाइज 40% का तो कोई काम ही नहीं हुआ. एक इजेकुलेशन में आपने जितने भी स्पर्म्स निकाले, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, उसमें 60% आपके नॉर्मल शेप एंड साइज है. इसमें से भी 40% आपके विग्रस मोर्टिलिटी शो करेंगे. तो क्वेश्चन पूछा जाए 1000 स्पर्म्स है तो कितने स्पर्म्स के चांसेस है, तो आप ये देखिए, ये 600 और 600 का 40%, तो इट इज अबाउट 240 स्पर्म्स. आया समझ में? तो ये आपको पता होना चाहिए. मींस इन एवरी इजेकुलेशन ओनली 60% आर द नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड आउट ऑफ दैट 60% ओनली 40% आर हैविंग द विग्रस मोर्टिलिटी. ये बहुत बड़ी रेस होती है. व्हेन स्पर्म एंटर इनटू द वजाइना, ओनली वन स्पर्म कैन पेनिट्रेट देयर. तो उससे पहले कितने कैपेसिटाइज होते हैं, और वो कैपेसिटेशन डिपेंड करता है उनकी मोर्टिलिटी और उनकी मैच्योरिटी पर. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स. दैट ग्लैंड्स आर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड. नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस. तब तक आप इन सारी चीजों को पढ़िए, क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके मेल रिप्रोडक्टिव के जितने भी क्वेश्चंस है सारे सोल्व होने लग जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा अपना टॉपिक रहा नहीं है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे. थैंक यू.